अब आ रहे साउंड आ रहा है यार, जरा बताएगा मेरे को कोई, साउंड आ रहा है? आप लोग सुन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चला दो ना ये पीछे बैकग्राउंड में, चला दो सिस्टम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आ जाओ भाई आ जाओ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा ओपनली सभी भाइयों को, ये जो 4-5 दिन से आप लोग क्यूरियस थे, अब गाड़ी में बैठे तो आपको पता लग ही गया होगा कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ नहीं जा रहे। और अभी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन एल्विश आर्मी और बाकी सारे फैन जिन लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया। तो फाइनली एल्विश यादव की नोएडा केस में बेल हो चुकी है। मैं आप सभी को एक बार फिर बताऊंगा, एल्विश यादव की स्नेक वैनम केस में बेल हो चुकी है। तो आप सभी को, आप लोगों ने सुना, बहुत देर से मुझे आप बार बार मैसेज कर रहे थे, डीएम कर रहे थे कि वो बेल हुआ नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ रुका हुआ था कि एक बार ऑफिशियल ऑर्डर आ जाए। तो ऑफिशियल ऑर्डर आ चुके हैं, एल्विश यादव गॉट बेल इन नोएडा स्नेक वैनम केस। एक बार तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां इस चीज की। हम लोग निकल चुके हैं नोएडा के लिए, कासना के लिए, तो थोड़ा सा और इंतजार करें। मैसेज पूरी तरह क्लियर है, आप काफी देर से पूछ रहे थे बार बार कि सर उसकी बेल हुई या नहीं हुई, तो एल्विश यादव की नोएडा केस में बेल हो चुकी है, बेल ऑर्डर पहुंच चुके हैं नोएडा लक्सर जेल, जिसको कासना जेल भी कहते हैं। और थोड़ी सी शांति और बनाए रखें आप, बहुत जल्दी एल्विश आपके सामने होगा, बाहर होगा। और मैं चाहूंगा यार आप यही प्यार बनाए रखें। प्रिंस भाई हम कहाँ जा रहे हैं? नोएडा फाइनली, सबसे पहले आई हमारी न्यूज। दोस्तों ये मैंने 1:30 बजे न्यूज ब्रेक कर दी थी, लेकिन मैं खुल के बात नहीं करना चाह रहा था। पहले मैं सोच रहा था कि जब तक कागज हाथ में ना आए, सफर का फल सब, मैंने मॉर्निंग में भी स्टेटस स्टोरी डाली थी, थोड़ा सब्र करो। लेकिन बहुत से बहन के छोले भी मैसेज कर रहे थे उल्टा सीधा कि आप कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और फाइनली अब आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो हम तो भाई काम करने वाले लोग हैं और बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखते हैं, तो मैं आपको वही कह रहा था कि आप थोड़े से पेशेंस रखें, सब्र रखें। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत से चीज़ें थी, खैर अभी मैं उन पर नहीं जाऊँगा। और खुशी की बात है, खुशी का माहौल है, मैं चाहता हूँ ये खुशी का माहौल बना रहे। 5 बजे और एक अनाउंसमेंट और मैं आपको करूंगा, मेरा एक YouTube पर चैनल है पूछताछ। ये अभी जो भी ये स्नेक वैनम केस हुआ, इसके बहुत सारे फैक्ट्स पूछताछ चैनल पर, आप YouTube पर डालें पूछताछ, उस पर देखें। 5 बजे इसका एपिसोड लेकर आ रहे हैं हम लोग, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी।
वास्तव में ये स्नेक वेनम केस क्या था, एल्विश का इसके अंदर क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें आपको उस एपिसोड में देखने को मिलेंगी। मैं कमेंट डाल देता हूँ, यूट्यूब चैनल का नाम, इसको आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करें। मेरा अपना चैनल है, इसमें इंटरोगेशन की है हमने एक सेलिब्रिटी की इस केस के रिगार्डिंग, और कल एक केस और इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे हम इसी मैटर पे। और अपना आप यही प्यार यही भरोसा आप बनाए रखें। चेतन लो भाई प्रमोशन हो गया यार, वहां बैठ के तो बकचोदी आप कर रहे हो, फिर मैं अनपढ़ जैसी बातें आप ना करें, आप खुश रहें। अभी इतने लोग खुश हैं, खुशियां बांट रहे हैं, तो इस माहौल को अपनी इस गंदी सोच के साथ आप ना ही खराब करें तो बेहतर है। और बाकी कर कुछ है दिमाग में वहम तो बताएं, वो वहम भी दूर करेंगे। चलिए गाइज एक बार मैं फिर इसको लाइव को एंड करता हूँ। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि एल्विश की नोएडा स्नेक वेनम केस में क्लियरली बेल हो चुकी है, तो अब आप लोग परेशान ना हो और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। एल्विश को उसके परिवार को काफ़ी एक जो बैड फेस देखा लोगों ने, और मैं चाहूँगा कि वो एल्विश और उसका परिवार वो शक्ति के साथ आगे बढ़े, इन चीज़ों से बाहर निकले। थैंक यू गाइस, थैंक यू लाइव पर आने का। तो अब क्लियरली रिवील कर दिया है हमने एल्विश यादव की बेल का स्टेटस, एल्विश की बेल हो चुकी है। तो खुश रहें और सेलिब्रेशन करें। थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत।